The third physical property of the S block element, in which we are discussing the physical properties of the guru first element, which is alkali matter. And the third property is hydration enthalpy. Hydration enthalpy क्या होती है? Hydration का मतलब होता है water. Water में dissolve करने के लिए किसी भी atom को ionic form में वो dissolve होगा. जब तक वो polar नहीं होगा तब तक वो dissolve नहीं होगा. तो यहाँ पर हम आयनिक फॉर्म की बात कर रहे हैं कंपाउंड्स की. तो कंपाउंड्स में आयनिक फॉर्म में जब कोई भी कंपाउंड वाटर में डिजोल्व हो जाता है तो उसे डिजोल्व करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, विच इज नोन एज द हाइड्रेशन एंथैल्पी. ठीक है ना. सपोज करिए आप नमक को NaCl को वाटर में डिजोल्व करना चाहते हैं ठंडे पानी. अब आजकल ठंडा है तो ठंडे पानी में वो डिजोल्व इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा जितनी जल्दी वो गर्म पानी में हो जाएगा ना. तो वहां पर भी आपको थोड़ा सा उसको क्या करना पड़ता है. हाइड्रेशन एंथैल्पी इज नोन एज द कौन सी एंथैल्पी, किसी भी कंपाउंड की आयनिक फॉर्म को वाटर में डिजोल्व करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, विच इज नोन एज द हाइड्रेशन एंथैल्पी. हाइड्रेशन एंथैल्पी किसी भी ग्रुप में, हम ग्रुप फर्स्ट की बात कर रहे हैं, इसमें लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है एंड ट्रेंशियम है. ट्रेंशियम की हम बात नहीं कर रहे हैं. ग्रुप में हम गो टू डाउन जाएंगे, हाइड्रेशन एंथैल्पी देखेंगे. तो जैसे जैसे क्या होगा यहाँ पर आयनिक फॉर्म हाइड्रेशन एंथैल्पी में क्या होगा कि द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ द एल्कली मेटल्स आयन डिक्रीज विद इंक्रीज द आयनिक साइज. कब डिक्रीज हो जाएगी हाइड्रेशन एंथैल्पी, कब डिक्रीज होगी? With increase in ionic size, ionic radius, size, ठीक है, radius means जैसे सपोज करिए कि वॉटर पोलर होता है. वॉटर को हम H2O को हम जब भी H+ और OH फॉर्म में देख सकते हैं. इसका मतलब वॉटर जो होता है अपने आयन्स में ब्रेक हो जाता है. तो ये ऐसे ही कंपाउंड को अपने अंदर डिसॉल्व करता है जो पोलर होते हैं नेचर में. और एक थ्योरी होती है लाइक डिसॉल्व लाइक, समझ आ गया. तो वाटर ये कहता है कि मेरे अंदर वही घुलेगा जो मेरे जैसा टूट जाएगा. ठीक है, तो टूटने का मतलब है किसी भी कंपाउंड की आयनिक फॉर्म में उसका आने. ठीक है, तो जैसे जैसे सॉल्युबिलिटी जो है हाइड्रेशन एंथैल्पी आपको, जैसे जैसे साइज आपका क्या होगा बड़ा होगा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती चली जाएगी. कोई भी कंपाउंड वाटर में कम घुलना शुरू कर देगा. आपको पता है कि सॉल्युबिलिटी जो होती है वो साइज के डायरेक्ट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. अगर साइज बड़ा है तो सॉल्युबिलिटी कम होती है, पता है ना आपको. टाइम लगता है घुलने में उसका. तो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी क्या है, हाइड्रेशन एंथैल्पी मतलब वाटर में घुलने वाली एंथैल्पी, और वॉट आयनिक साइज अगर बड़ा है तो वह हाइड्रेशन एंथैल्पी की अमाउंट भी कम होती हुई चली जाती है. सबको क्लियर हो गया ये नंबर थर्ड प्रॉपर्टी. एंड नंबर फोर्थ हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की. नंबर फोर प्रॉपर्टी इज ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बच्चों, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए. ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, किसके सिमिलर होता है ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑक्सीडेशन नंबर एज लाइक वैलेंसी. ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि किसी भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट है तो एटम के ऊपर आपको जो भी चार्ज दिख रहा है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे H2SO4 एक कंपाउंड है. ठीक है, यहाँ पर S के ऊपर जितना चार्ज आपको दिखता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. एंड मैंने आपको पहले रेडॉक्स रिएक्शन जब चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें बताया था बेटा कि ऑक्सीडेशन स्टेट एज लाइक सिमिलर टू, किसके सिमिलर होती है, वैलेंसी के. यहाँ पर वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी कितनी है ग्रुप में, हर एक मेंबर की कितनी वैलेंसी है? प्लस वन है ना, प्लस वन. ऑक्सीडेशन स्टेट को प्लस या माइनस से शो करना बहुत जरूरी होता है. तो हम यहाँ पर प्लस को इग्नोर नहीं करेंगे,
तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर सभी ग्रुप के मेंबर्स की प्लस वन ही होगी। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर हो रही है? होगी, क्योंकि कोई मेटल है जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो किसमें एक शो होने लगेगा, आयनिक फॉर्म में शो होने लगेगा। तो मैटर से जब वन इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो एम प्लस बन जाएगा। तो आपको एक ही तो चार्ज दिख रहा है यहाँ पर, है ना, दिख रहा है ना एक ही चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसकी एक ही है, प्लस वन की है। नेक्स्ट मेटेलिक कैरेक्टर की बात करते हैं। नंबर फाइव प्रॉपर्टीज मेटेलिक कैरेक्टर, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि ग्रुप फर्स्ट के हर एक मेंबर की जो प्रॉपर्टी होती है वो मेटेलिक होती है ना, उसका नाम ही अल्कली मेटल्स है। मीन्स ऑल एलिमेंट बिहेव लाइक अ मेटल एंड द टेंडेंसी ऑफ मेटल टू लूज द इलेक्ट्रॉन, है ना। मेटल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके आयनिक वो उसमें प्लस चार्ज शो करना लगते हैं, यानी कि केटायन बन जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो किसी भी ग्रुप में नीचे जाने पर इंक्रीज होता है, मींस एलआई से ज्यादा सीएस का मेटेलिक कैरेक्टर शो होगा। ठीक है, क्लियर? यस, सबको क्लियर हो रहा है? यस मैम। लूज करने की कैपेसिटी, देखिए लिथियम थोड़ा गड़बड़ कर सकता है क्योंकि उसका छोटा साइज है, वो मेटल लूज करने में थोड़ा गड़बड़ कर सकता है, लेकिन जो सीजियम है वो बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बिल्कुल भी नहीं है, खत्म है, ना के बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन इजिली लूज हो जाएगा। इसलिए जो किसी भी ग्रुप में, यानी कि ग्रुप फर्स्ट में लिथियम टू सीजियम जब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज, तो मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा सीजियम शो करेगा, बिकॉज ये अपना इलेक्ट्रॉन सबसे जल्दी लूज कर देगा। ठीक है, कल हमने बात कर ली थी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की भी। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इनका, अल्कली मेटल्स का, बहुत लो होता है, कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी से लूज ही कर देते हैं अपना। नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ द बॉन्ड फॉर्म्ड। अगर हम अल्कली मेटल के एलिमेंट्स की बॉन्ड फॉर्म नेचर के बारे में बात करें तो किस तरीके का बॉन्ड बनता है इनके बीच में बेटा, जब ये आयनिक कैरेक्टर शो करते हैं तो बॉन्ड कैसा होता है, आयनिक बॉन्ड ही बनेगा, आयनिक बॉन्ड ही तो बनेगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आयनिक बॉन्ड। तो हमने यहाँ पर बात करी, सिक्स हमारी हो गई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आप देख चुके हो, डिस्कशन हो चुका है, लो होता है। नंबर सेवन, हम नंबर सेवन में हमने क्या देखा था बेटा, नेचर ऑफ द बॉन्ड फॉर्म्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड। तो कैसा बॉन्ड बनता है इनके बीच में, आपको क्लियर हो गया होगा कैसा बॉन्ड बनता है? यस मैम, आयनिक बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बनता है ना। और यहाँ पर हमारा लास्ट है फ्लेम कलरेशन, नंबर एट हमारी प्रॉपर्टी है फ्लेम कलरेशन। कलरेशन, फ्लेम का कलर कैसा होता है, अगर आप इनको देखें ठीक से तो इनकी फ्लेम का कुछ कलर होता है। ठीक है, कैसा कलर होता है? मीन्स ऑल एल्कली मेटल्स हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलर। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर हीट जो हमारी बन रही है, हीट फ्रॉम द फ्लेम, जो फ्लेम है वो एक्साइट द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन टू ए हायर एनर्जी लेवल। देखिए आप मेरी बात समझना ठीक से, जब तक कोई भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे होता है तो उसका कोई कलर नहीं होता, लेकिन जब वो ग्राउंड स्टेट से उठकर एक्साइटेड स्टेट में जाता है, मींस एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाना चाहता है, मूव करना चाहता है, तो उसके पास सफिशियंट एनर्जी नहीं होती, क्योंकि वो तो ग्राउंड स्टेट में घूम रहा है, उसके लाइफ तो उसके पास एनर्जी है, लेकिन अब वो जाना चाहता है अपर लेवल पे, तो वो क्वांटा की फॉर्म में सन से एनर्जी को लेता है। किसकी फॉर्म में लेता है? क्वांटा की फॉर्म में, या फोटोन की फॉर्म में लेता है, और उस एनर्जी को लेकर कौन देता है वो एनर्जी? सन। और उस एनर्जी को लेकर वो ग्राउंड स्टेट से थोड़ा सा एग्जैक्ट स्टेट में चला जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है,
ये इस शेल में घूम रहा है लेकिन वो इस शेल में जाना चाहता है, तो जिस शेल में वो पर्टिकुलर घूम रहा है वो उसकी ग्राउंड स्टेट है, लेकिन वो अब जाना चाहता है एक लेवल ऊपर। तो क्या होता है कि वो सन से एनर्जी को लेता है और सन से एनर्जी को लेकर एग्जाइट स्टेट में चला जाता है। अब हम उस जहां पे उसने जंपिंग मार के गया है उसको हम एग्जाइट स्टेट कह रहे हैं, वहां पर चला जाता है और वहां पर वो कुछ देर घूमता है लेकिन वहां पर उसको स्टेबिलिटी नहीं मिलती। वो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है। जैसे हम क्या करते हैं, कुछ देर अपनी सहेली के घर जाते हैं लेकिन अपने घर तो आना ही होता है ना, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमने गया है दूसरी शेल में और फिर वो वापस अपने ग्राउंड स्टेट पे आना चाह रहा है, अपने घर आना चाह रहा है, तो उस एनर्जी को वो निकाल के आता है। उसी एनर्जी की वजह से जो वो निकलती है तो वो हमें कुछ प्लेन का कलरेशन दे जाती है, इसी वजह से हमें किसी भी कंपाउंड का कलर नजर आता है। ठीक है ना, वो हीट जो एक्साइट होती है जब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आता है तो आपको उस पर्टिकुलर कंपाउंड का कोई कलर दिखाई देता है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई? यस मैम। यस मैम। तो यस मैम, ये तो अलग अलग कंपाउंड अलग अलग कलर शो करते हैं। जैसे लिथियम है वो क्रिम्सन कलर शो करता है, सोडियम है वो येलोइश कलर देता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? पोटाशियम है वॉयलेट कलर देता है। पोटाशियम कैसे देता है? वॉयलेट। रुबिडियम रेड कलर देता है। रुबिडियम कैसे कलर देता है? रेड। और सीजियम ब्लू कलर देता है। रेड ब्लू। हर किसी कंपाउंड का अपना एक कलर बन जाता है जब वो एग्जाइट करते हैं, जो उनकी एनर्जी थी उसको हीट की फॉर्म में एग्जाइट कर देते हैं, तो कोई भी कंपाउंड का कलर हमको शो हो जाता है। ठीक है बेटा, क्लियर? नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन सी है 9 प्रॉपर्टी? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आई थिंक मुझे इसको समझाने की तो जरूरत नहीं है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। ये तो ऑलरेडी आप चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं, क्लियर भी होगा आपको। यस मैम। है ना, अब केवल एक चीज देखिए आपको, ग्रुप नंबर फर्स्ट में लिथियम को छोड़ दीजिए, एक्सेप्ट द लिथियम ऑल अदर जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटोन की प्रेजेंस में एल्कली से, यानी कि इस मेटल से इलेक्ट्रॉन का लूज होना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। क्लियर हो गया? तो लिथियम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करता क्योंकि वो इजिली अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता कंपैरिजन टू ऑल अदर एल्कली मेटल। ठीक है, तो हम बोलेंगे एक्सेप्ट द लिथियम ऑल अदर एल्कली मेटल शो द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मीन्स दे लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। आई थिंक इट इज क्लियर फॉर यू एवरी स्टूडेंट को? क्लियर है सारी प्रॉपर्टीज? एक हम बात करेंगे लेटाइस एंथैल्पी की। तो लेटाइस एंथैल्पी क्या होती है? इन सब की बहुत हाई होती है। नंबर 10 फिजिकल प्रॉपर्टी इज लेटाइस एंथैल्पी। लेटाइस एंथैल्पी बेटा इनकी हाई क्यों होती है बताइएगा? बताइए बेटा क्यों हाई होती है, सोचिएगा जरा। मैम बॉन्ड की वजह से। बिल्कुल सही, जो इन आयनिक बॉन्ड बनता है, जैसे लिथियम है वो अगर Cl से बॉन्ड बनाएगा, बनाएगा ना, ये लिथियम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया -1 इलेक्ट्रॉन और ये Li+ बन गया, तो इसका इस इलेक्ट्रॉन को कौन लेगा जो इसने लूज किया है? कोई नॉन मेटल लेगा जो जिसके पास डेफिशिएंसी है 1 इलेक्ट्रॉन की। तो अगर वो Cl ने ले लिया ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो इनके बीच में LiCl के बीच में आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो गया, हो गया ना, तो उनका एक लेटाइस बन गया बेटा, LiCl से कनेक्ट हो गया, Cl Li से कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो लेटाइस एंथैल्पी जो होती है इन सभी एल्कली मेटल्स की बहुत हाई होती है बिकॉज दे हैविंग द अपोजिट चार्ज। Li के पास प्लस चार्ज है और Cl के पास माइनस चार्ज है। आपको पता है कि इनके पास तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये किस ग्रुप के नॉन मेटल से जाके जुड़ेंगे? ग्रुप नंबर 17 से तो जुड़ेंगे, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन की कमियां हैं। तो अगर बॉन्ड बनेगा तो Li का Cl से बनेगा या Li का F से बनेगा या Na का I से बन जाएगा, है ना, किसी से भी बन जाएगा,
लेकिन ग्रुप नंबर फर्स्ट का ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स के बीच ही आयनिक बॉन्ड बनेगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, इसलिए इन सब का जो बॉन्ड बनकर एक क्रिस्टल बनेगा LiCl का या LiBr का या LiI का, वो बहुत ज्यादा मजबूत बन जाएगा और उसके उसको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इसलिए लैटाइस एंथैल्पी भी अल्कली मेटल्स की बहुत हाई होती है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको 10 फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई है इसकी ग्रुप नंबर फर्स्ट की एस ब्लॉक में अल्कली मेटल्स की। तो आई थिंक इट इज क्लियर। किसी की कोई क्वेरी हो तो मुझसे ले सकता है, फिर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ पढ़ती हूँ। बताइए किसी भी बच्चे की इन 10 प्रॉपर्टीज के अंदर कोई भी क्वेरी हो तो मुझसे ले लीजिए, अदरवाइज फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। नो मैम, नो क्वेरी, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ना करके ग्रुप फर्स्ट की क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज का स्टडी करेंगे। बहुत ध्यान से आप लोग मेरे साथ बढ़िए आगे और पढ़ने पे फोकस करिए बेटा। आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं ऐसा मुझे फील हो रहा है। कुछ बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, कुछ अभी सोच रहे हैं कि टाइमिंग से पढ़ लेंगे। बेटा पढ़ लीजिए, आपका सिलेबस बहुत ज्यादा है, टाइमिंग बहुत कम है। तो नाउ वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक ऑफ द एल्कली मेटल्स विच इज केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज? बताइए बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? मैम न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्या मतलब? बेटा एक सेकंड रुको आप। चलिए हम शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, किसी भी जो हम एलिमेंट ले रहे हैं उनका हम बिहेव, उनकी बिहेव्स के ऊपर वो किससे जुड़ पाएंगे, क्या बनाएंगे, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज हम करते हैं रिएक्शन विद एयर। नाउ द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्कली मेटल इज रिएक्शन विद एयर। यहां पर हम जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है एल्कली मेटल्स का, उसकी रिएक्शन कराएंगे एयर के साथ। एयर का मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर हमने लिया Li और उसकी रिएक्शन हमने O2 से कराई, एयर का मतलब ऑक्सीजन का मतलब तो O2 ही होता है ना बेटा, तो क्या बनेगा? अगर ऑक्साइड्स बनेंगे, जब भी कोई एल्कली मेटल एयर से रिएक्शन करेगी, एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी, तो वो ऑक्साइड फॉर्म करेगी। क्या बनाएगी? ऑक्साइड। ऑक्साइड्स मैंने आपको कहा था 3 तरीके के होते हैं। कैसे? ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड एंड पर ऑक्साइड। हाँ जी बताए थे, क्लियर है? जब O2 की फॉर्म में ऑक्सीजन जुड़ती है तो वो होती है ऑक्साइड, जब खाली एक ऑक्सीजन की फॉर्म में जुड़ती है तो होती है पर ऑक्साइड, और जब हाफ O2 जुड़ती है तो वो होती है हमारे सुपर ऑक्साइड। तो यहां पर हम बनाएंगे सुपर ऑक्साइड भी बनाएंगे, पर ऑक्साइड भी बनाएंगे, और हम यहाँ पर ऑक्साइड्स भी बनाएंगे। अगर हम ऑक्साइड्स बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे? ये Li है या ऑक्सीजन है? Li की वैलेंसी है 1, ऑक्सीजन की होती है 2, तो बन जाएगी Li2O। क्लियर हो गया सबको? ये हमारे बनेंगे लिथियम मोनोऑक्साइड या लिथियम ऑक्साइड। तो ये क्या बन गए बेटा? लिथियम ऑक्साइड। सबको क्लियर हो रहा है? हेलो हेलो हेलो, सबको क्लियर है बच्चों? अब हम यहाँ पर क्या बनाएंगे? अब इसको बैलेंस कर लेंगे हम। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 2 है। अगर हम 2 करते हैं ऑक्सीजन तो Li के हो जाते हैं 4। तो ये रिएक्शन इस तरीके से बैलेंस हो जाएगी और हमारा बैलेंस होके हमें मिल जाएगा क्या? 2Li2O। अगर हम यहाँ पर लिथियम ऑक्साइड, जैसे सोडियम है, सोडियम यहाँ पर परोक्साइड की फॉर्म में बनेगा,
तो पेरोक्साइड के फॉर्म में बनेगा तो कैसे बनेगा बेटा बताइए, जहां पर ऑक्सीजन की वैलेंसी माइनस का वन आनी चाहिए। तो हम लेके चलेंगे 2Na+O2, ये क्या बनाएगा, जहां पर हम ऑक्सीजन की वैलेंसी को वन रख सकते हैं Na2O2। तो ये हमारा सोडियम परऑक्साइड बन जाएगा। अब आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था, निकाल लीजिए ऑक्सीजन का, तो प्लस टू प्लस का 2x इज इक्वल टू जीरो, तो 2x इज इक्वल टू माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 1। तो जहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस 1 आई है तो वो परऑक्साइड बनते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑक्साइड, तो निकाल लीजिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट, एक Li की वैलेंसी 2 दे रखी है तो ये हमारा 2Li है, तो यहाँ पे 4Li हो गई है, तो ये हो जाएगा प्लस का 4 और प्लस का 2x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस का 4, x इज इक्वल टू माइनस का 2। तो यहाँ पर हमारा ऑक्साइड फॉर्म में है, यहाँ पर पेरोक्साइड फॉर्म में है, और एक जो हमारा अगला मैं बना रही हूँ K+O2 gives KO2, ये हमारा सुपर ऑक्साइड फॉर्म में है। प्लस 1 प्लस का 2x इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू माइनस का 1, x इक्वल टू माइनस का हाफ। तो ये हमारा बना है पोटाशियम सुपर ऑक्साइड। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको जो एल्कली मेटल्स होती हैं वो एयर के साथ, एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स एंड परऑक्साइड्स, तीनों तरीके के ऑक्साइड फॉर्म कर देती हैं। तो यहाँ पर हमारी एक रिएक्शन खत्म होती है कि रिएक्शन ऑफ एल्कली मेटल विद ऑक्सीजन। नाउ द सेकेंड रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ एल्कली मेटल्स विद वॉटर। तो सेकेंड हमारा क्या होगा, रिएक्शन विद वॉटर। अब हमें एल्कली मेटल्स की रिएक्शन वाटर के साथ करानी है। आपको पता है कि जब भी वाटर के साथ कोई भी एल्कली मेटल रिएक्शन करेगी तो वो हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगी, साथ में H2 गैस निकालेगी, ठीक है। जैसे हमने Li की रिएक्शन वाटर के साथ कराई बेटा, तो वाटर के साथ कराने पर क्या होगा, H2 तो निकलेगा ही निकलेगा, गैस के फॉर्म में तो H के तो 2 हो गए, अब LiOH भी बनेगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो लिथियम हाइड्रोक्साइड बनेगा तो आपको वैलेंसी कंप्लीट करनी है, तो ये वैलेंसी आपकी कंप्लीट हो जाएगी और 2H2O। तो इस तरीके से आप कोई भी मेटल के रिएक्शन जब वाटर के साथ करेंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। नंबर थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अब हम किसी भी मेटल की रिएक्शन कराएंगे, एल्कली मेटल की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ, तो नंबर थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। मेटल की रिएक्शन आप हाइड्रोजन से करा दीजिए तो मेटल हाइड्राइड बन जाएंगे। क्या बनेंगे, मेटल हाइड्राइड। कैसे बनेंगे, MH, M for metal, H for hydride। M for metal में आप Li ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल जब मैं यहाँ पर M लिख कर शो कर रही हूँ तो मैं एक पेरेंटल इक्वेशन बना रही हूँ। आप यहाँ पर Li ले सकते हैं, Li की रिएक्शन H2 के साथ कराइए तो LiH बन जाएगा। अब यहाँ पे H के 2 हैं तो आपको Li के भी 2 करने पड़ेंगे, तो 2LiH, तो मेटल हाइड्राइड बन जाएंगे। जब कोई भी मेटल हाइड्रोजन के साथ जुड़ती है तो वो मेटल हाइड्राइड बनाती है, थर्ड प्रॉपर्टी हो गई ये। फोर्थ है आपकी रिएक्शन विद हैलोजन। अब आपको हैलोजन के साथ रिएक्शन करानी है, रिएक्शन विद हैलोजन। जब आप किसी भी मेटल अल्कली मेटल की रिएक्शन, जैसे सपोज करिए Li की रिएक्शन आप हैलोजन के साथ करा रहे हैं Cl2 के साथ, तो क्या बन जाएगा, LiCl2, ऐसे तो बनेगा। तो इस तरीके से आप कर लेंगे। यहाँ पर और जो बची हुई है 2-3 रिएक्शन वो मैं कल कराऊंगी आपको।